दुनिया की आबादी करीब करीब 800 करोड़ है। दुनिया की आबादी करीब करीब 800 करोड़ है, जिसमें से 200 करोड़ लोग मतलब एक चौथाई लोग ओवरवेट हैं। 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं और 60 करोड़ ओबीज की कैटेगरी में आ गए हैं। ओबीज मतलब जो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा हो गया है, राइट। और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उसमें से करीब करीब 50 करोड़ हिंदुस्तानी भी हैं। हिंदुस्तानी दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं, बट इस वे में नहीं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है हिंदुस्तानी दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं? किसी को लगता है यहां पे हिंदुस्तानी दुनिया पर राज कर सकते हैं? नहीं लगता है? कितने लोगों को नहीं लगता है? ओके, कुछ लोगों को लगता है। तो जिनको भी नहीं लगता है, तो देखिए, हिंदुस्तानी जब अपनी पे आ जाए तो मालदीव जैसे देश को भी डुबो सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी जब अपनी पे आ जाए तो मालदीव जैसे देश भी जो टॉप में आते थे कभी ना कभी, वो भी डूब सकते हैं। तो शांति से बैठ जाए अपनी जगह पे और ध्यान से सुने, और अपना जो फोन है, डिवाइस है, उसका वॉल्यूम फुल पे कर ले, मैक्सिमम पे कर ले, राइट। तो सबसे पहला स्लाइड क्या आता है? सबसे पहला स्लाइड है, जैसे कि हम लोग आज हैप्पी डेवलप सेशन कर रहे हैं और आपकी फिटनेस से रिलेटेड बात होने वाली है, तो सबसे पहला आता है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, असलियत में हेल्थ क्या होती है। हेल्थ होता है जब आप फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली सब तरीके से वेलबींग की कैटेगरी में आते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोला जाता है कि आप हेल्थी हेल्दी हैं, राइट। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा बोल रहा है, राइट। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि उनका मेंटल हेल्थ बेहतर रहना जरूरी है? कि वेट थोड़ा बढ़ा भी रहेगा ना, चलेगा, बट ये जो मन दिमाग में स्ट्रेस रहता है, अगर वो थोड़ा कम रहेगा तो जिंदगी थोड़ी बेहतर हो सकती है। रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? तो जब आप ये चारों कैटेगरीज में बेहतर रहते हैं, तब आप एक वेलबींग की कैटेगरी में आते हैं और आप हेल्दी कहलाते हैं असलियत में, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है टू लिव अ हेल्दी लाइफ। एक अच्छी सेहत के ये तीन मेजर पिलर्स हैं। सबसे पहला, बैलेंस्ड एंड हेल्दी फूड। बैलेंस्ड एंड हेल्दी फूड, अगर आपका खान पीन ठीक नहीं है तो आप कितने भी सक्सेस अचीव कर लीजिए, वो कुछ दिन के बाद बेमायने हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। आज की स्ट्रेस भरी जिंदगी में हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना मुश्किल है, बट अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक हेल्दी लाइफ की कैटेगरी की तरफ अपने आप को बढ़ाते हैं। 100% पॉजिटिव एटीट्यूड, और ये हमने कोविड के बाद में ऐड किया है, 100% पॉजिटिव एटीट्यूड। कोविड से पहले हम लोग ये नहीं बोलते थे, बट कोविड के बाद में जैसे जैसे लोगों को लगने लगा कि हमें उनको पॉजिटिविटी की जरूरत है, तो 100% पॉजिटिव एटीट्यूड ये थर्ड पिलर ऐड हुआ है आपकी सेहत को बेहतर करने में और एक हेल्दी लाइफ को डेवलप करने में, राइट। ओके, फैंटास्टिक। नेक्स्ट आता है व्हाट इज फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड वो है जो हम खाते हैं, न्यूट्रिशन वो है जो हमारी बॉडी की जरूरत है। कितने लोगों ने ये लाइन पहले सुनी हुई है? बहुत ही क्लीशे सी लाइन है और इतनी बार हम सुन चुके हैं कि अब इस लाइन का ना मीनिंग बहुत डीमीनिंग सा हो गया। कितने लोगों को लगता है ऐसी बात? ओके, सो देखिए, खाना वही है कि आपकी, अगर आप खाने की थाली के अंदर आप विटामिन मिनरल सब कुछ लेते हैं, तो वो एक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में चला जाता है। और आज की डेट में बहुत सारे मिथ्स हैं, उसको हम डेफिनेटली उसको ब्रेक करेंगे आज, तो ध्यान से सुनिएगा मुझे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज बैलेंस न्यूट्रिशन। संतुलित पौष्टिक आहार एक्चुअल में होता क्या है? तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, और बेसिकली होता है प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैट्स, फाइबर, वाटर। वाटर भी बैलेंस न्यूट्रिशन में आता है, बाय द वे, वाटर भी बैलेंस न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आने लगा है। ओके, पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया इसको, पता है आपको, क्योंकि लोग हमारे पानी पीने से परहेज कर जाते हैं, चाहे कितना भी उनको बोल लीजिए। अच्छा, कितने लोग हैं जो यहाँ पे क्लब में आने के बाद में उनका पानी पीना बेहतर हुआ है पहले से? ओके, बहुत बढ़िया, तो आप वेलबिंग की कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। चलिए, नेक्स्ट आता है हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट्स अस। आपका न्यूट्रिशन आपको कैसे अफेक्ट करता है? बिहेवियर। अच्छा, कितने लोग हैं जो यहां पे अपने, कितनी महिलाएं हैं यहां पे जो अपने बच्चों की पिटाई करती हैं? कितनी महिलाएं हैं जो अपनी बच्चों की पिटाई करती हैं? कितनी यहां पे स्कूल टीचर्स हैं जो स्कूल वाले बच्चों पे जाके अपना घर का सारा गुस्सा उतारते हैं? कोई यहां पे? किरण जी, आप नहीं पीटते बच्चों को, आपने कभी नहीं मारा बच्चों को, कोई बात नहीं, पति पे तो गुस्सा हुए होंगे आप कभी, राइट। कितनी महिलाएं हैं जो अपने पति पे गुस्सा होती हैं? सो आपका बिहेवियर भी बहुत अफेक्ट होता है जब आप गलत खान पान रखते हैं, राइट। ज्योति जी सबसे पहले हैं इसमें, राइट। तो आपका बिहेवियर भी बहुत अफेक्ट होता है। सारिका मित्तल जी, कैसे हैं आप? तो आपका बिहेवियर भी बहुत अफेक्ट होता है जब आप गलत खान पान रखते हैं। आप अगर यकीन ना माने तो आप 4-5 दिन बिल्कुल गलत खान पान रखिए, 5वें दिन से आप चिड़चिड़े होने लगेंगे, राइट। लर्निंग बहुत अफेक्ट होती है अगर आपका न्यूट्रिशन इंटेक अच्छा नहीं है तो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं उनका बच्चा क्लास में टॉपर बने? कितने लोग चाहते हैं उनका बच्चा क्लास में टॉपर बने?
वो जो पढ़ता है बेशक से कम पढ़े बट उसको याद जरूर रहे, वो भूले ना। अच्छा दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं, कितने लोग हैं जो घर से जब सामान लेने निकलते हैं तो 5 चीजें लेने का अगर टारगेट लेके गए हैं तो 4 ही लेके वापस आ जाते हैं या 2 ही लेके वापस आ जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? ओके किरण जी हैं, और कितने सच्चे ईमानदार लोग हैं यहाँ पे? ओके देखिए, सो अगर आपको लगता है कि आप नहीं बोलते तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आता है, लर्निंग आपकी बेहतर होती है जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, आपका न्यूट्रिशन इस वे में आपको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोग हैं जो एक डिसीजन लेने के लिए 10 लोगों से पूछते हैं उसके बाद भी नहीं खरीद पाते हैं? अच्छा कितनी महिलाएं हैं जो साड़ी खरीदने जाती हैं तो 10 देखने के बाद भी उनको एक भी पसंद नहीं आती है, कितनी महिलाएं यहाँ पे? ओके कोई ड्रेस पसंद आती होगी ना आपको, है रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? कितने मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ पे? तो डिसीजन मेकिंग भी अफेक्ट होता है जब आपका न्यूट्रिशन कम या ज्यादा होता है तो, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस, सीढ़ियां चढ़ने पे अगर आपको सांस चढ़ती है तो यानी आपका न्यूट्रिशन इनटेक कम है या खराब है, राइट? आप गलत खान पान से बचे नहीं है। वाइटैलिटी, लॉन्जिटिविटी, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, आज की डेट में अगर फीमेल्स जो फैमिलीज बच्चे कंसीव करने में इश्यूज जिनको हो रहे हैं ना, जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सबसे पहला सवाल और जवाब डॉक्टर क्या बोलता है कि पहले आप अपना वजन कम करिए उसके बाद में फैमिली प्लानिंग करिए। जब कपल्स डॉक्टर्स के पास में आज की डेट में जा रहे हैं तो उनको सबसे पहले ही बोलता है डॉक्टर कि आप अपना वजन कम करिए, चाहे डॉक्टर का खुद का बढ़ा हुआ वजन, पर फिर भी डॉक्टर यही बोलता है कि पहले आप अपना वजन कम कर लो, बोलते हैं ना डॉक्टर्स, राइट? तो इसमें भी आपको न्यूट्रिशन अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड फर्टिलिटी में, राइट? नेक्स्ट आता है व्हाट वी ईट एवरी डे। देखिए अब यहां पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैं पहले वाली जितनी स्लाइड्स हैं इनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हमारा माइंड कैसे सोचता है। जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं ना तो हमारा माइंड उस पिक्चर को अपने अंदर बना लेता है और कोशिश करता है कि वो जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए। तो लास्ट वाली जो स्लाइड है वो आपके काम की है, राइट? ज्योति जी के मुंह में आ गया था पानी छोले भटूरे देख के बहुत जबरदस्त तरीके से, बट ऐसा नहीं है। आपको जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्लाइड दिखी है ना लास्ट में सैलेड्स वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको समझने के लिए, राइट? नेक्स्ट चलते हैं मॉडर्न डाइट के ऊपर। मॉडर्न डाइट के अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा हैं, ये इंसाफ का तराजू है बाय द वे, कितने लोगों ने इंसाफ का तराजू देखा ये वाला? तो इसमें जो पलड़ा भारी है ना ये कैलोरीज का है और जो पलड़ा हल्का है वो है न्यूट्रिशन का। आपकी खाने के अंदर न्यूट्रिशन दिन ब दिन कम होता जा रहा है और कैलोरीज दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, राइट? और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है इसलिए क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं आपके खाने को, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डेफिनेटली। बट अगर हम बात करें कि क्या ज्यादा हो रहा है, कैलोरीज कैसे बढ़ती चली जा रही हैं, तो आपके खाने के अंदर शुगर ज्यादा हो गया है। अच्छा कितने लोग मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं? कितने लोगों को यहाँ पे ज्यादा नमक वाला खाना खाना पसंद है? ज्योति जी ने पहले ही हैंड रेज कर रखा है कि सर एग्री है आपकी बात पे, है ना? कितने लोगों को यहाँ पे ज्यादा खाना ज्यादा नमक वाला खाना खाना पसंद है? सॉरी कितने लोग यहाँ पे ज्यादा नमक वाला खाना खाना पसंद करते हैं? अगर नमक थोड़ा सा कम हो जाए तो हल्का ऊपर से डाल लेते हैं, ऐसे कितने लोग यहाँ पे हैं कोई? ओके जागृति जी हंस रही है, आज बढ़िया मैंने कॉमिक शो चला रखा है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सॉल्ट इंटेक ज्यादा होगा, शुगर इंटेक जब आपके खाने में ज्यादा होगा तो कैलोरीज ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। फैट्स ज्यादा है आज की डेट में, अनहेल्दी फैट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है बट कम क्या है? कम है प्रोटीन, वेजिटेबल्स, राइट? फाइबर कम है आपके खाने के अंदर, मिनरल्स कम है, अमीनो एसिड्स, राइट? प्रोटीन का ही पार्ट है बट अमीनो एसिड्स कम है, राइट? पानी का तो भूल ही जाइए, आज के डेट में लोग पानी पीने से इतना परहेज करने लगे हैं जो किसी भी चीज से ना हो, राइट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि 30 साल पहले जैसी ताकत आज की डेट में आपके खाने में नहीं है। 30 साल पहले जैसी ताकत आज की डेट में आपके खाने में नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले जमीन ज्यादा हुआ करती थी और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे आबादी बढ़ती गई, भाइयों के बीच में जमीनें बंटी और जमीन कम होने की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ी किसानों को, राइट? मल्टीपल क्रॉपिंग की वजह से उसकी जो गुणवत्ता है क्रॉप्स की वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई, राइट? तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से आपके खाने में जो 30 साल पहले, अगर आप रिलेट कराना चाहो मैं आपको ज्यादा आसान भाषा में, तो अगर आपने आप दादा या दादी के अगर आप घुटने देखेंगे तो उनके घुटने अभी भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, बट अगर आप अपनी मदर के घुटने देखेंगे ना तो वो खराब हो चुके हैं।
अगर आप अपने दादी के या दादाजी के घुटने देखेंगे तो वो अभी भी सही तरीके से चल रहे हैं और वो पूरे गांव के चक्कर लगा लेते हैं, बट आपकी मदर के लिए चलना उठना फिरना सब कुछ मुश्किल है ना। रिलेट कर पा रहे रेणु देवी जी? सही कह रहा हूं मैं? और ये क्यों हुआ है? ये गलत खान पीन की वजह से हुआ है, क्योंकि 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही आपके खाने में, राइट। और क्या चीजें आपके खाने को अफेक्ट करती हैं? तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आते हैं बाहरी तत्व और दूसरा घरेलू दुश्मन, जो विदेशी शक्तियां हैं, और एक है घरेलू दुश्मन, मतलब इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करेंगे सबसे पहले। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है? तो जैसा मैंने पहले बोला कि जमीन कम होने की वजह से मल्टीपल क्रॉपिंग हो रही है, एक ही जमीन के ऊपर मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जा रही हैं। फिर उसके बाद में जब वो उगाई जाती है तो उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, राइट। ऐसी ऐसी फसलें हैं जो पहले 6 महीने मिला करती थी सिर्फ, बट वो आज की डेट में 12 महीने मिल जाती है। रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? ऐसा हो रहा है ना। कुकिंग, और आज की डेट में तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो खाना गर्म करने का तो बहुत ही बढ़िया रिवाज चला है, राइट। और जो लोग और ज्यादा बिजी हैं तो उनके लिए खाना शाम को ही बन जाता है, और जब वो जैसे ही घर पहुंचते हैं वो गर्म करके खाते हैं। रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? तो अब जितनी बार उसको गर्म करते हैं उसका न्यूट्रिशन वैल्यू वैसे ही कम होता चला जाता है, राइट। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपका न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जा रहा है। नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रेस। अच्छा, कितने लोगों के यहाँ पर स्ट्रेस है? सेहत खराब होने के लिए स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण बनता है। अच्छा, कितने स्ट्रेस नहीं है बाकी लोगों को? क्या आप संन्यास ले चुके हैं? क्या आपने संन्यास ले लिया जीवन से? अच्छा, बहुत सारे लोग। अच्छा, कितने लोगों को स्ट्रेस नहीं मतलब है यहाँ पे? सच में बताएंगे मुझे? अब दोबारा से हैंड रेज देखना चाहूंगा मैं। रोली जी आपको नहीं है? प्रीति गुप्ता जी, है आपको स्ट्रेस? ओके, तो शाम को क्या खाना बनेगा वो डिसाइड हो गया है? डिसाइड हो गया है? तो अगर नहीं हुआ है तो उसका भी स्ट्रेस होगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो उसको भी स्ट्रेस की ही कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव टी एंड कॉफी। देखिए, पानी पिलाना धर्म का काम है, बट चाय कॉफी पिलाना जुल्म का काम है, राइट। आज की डेट में हमारे घर पे कोई आता है ना तो हम उसको चाय कॉफी पहले पूछते हैं, पानी बाद में, है ऐसा? कितने लोग रिलेट कर पा रहे मेरी बात से? समय जैसे जैसे बदला हमने तरीके बदल दिए, हम लोगों ने पानी पे पूछना छोड़ दिया, राइट, जबकि पानी पिलाना धर्म का काम था। सही कह रहा हूँ सरजीत जी? सही कह रहा हूँ मैं, है ना? पानी पिलाना कम कर दिया हम लोगों को। तो एक्सेसिव टी एंड कॉफी की वजह से इंटरनल फैक्टर्स में आपकी सेहत खराब होती है, और ये आपकी हेल्थ को दिन ब दिन खराब करते चले जा रहे हैं। और अगर आपको लगता हो कि आपकी चाय आपका सेहत नहीं खराब कर सकती, तो एक काम करिएगा, एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको। आप अगर आज शाम को चाय पीने वाले ना, तो हल्का सा थोड़ा सा ना चाय अपनी उंगली पे गिरा दीजिएगा और 5 मिनट के लिए उसको भूल जाइएगा। देखिएगा, जहां पे वो गिरी होगी ना वहां से आपकी उंगली छिल जाएगी, सिर्फ 5 से 7 मिनट में वहां से आपकी उंगली छिल जाएगी, ट्रस्ट मी, वहां से आपकी चमड़ी जो है खराब हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, राइट। नेक्स्ट आता है एल्कोहल एंड टोबैको। देखिए, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीजें घर खराब कर देती हूँ वो चीजें सेहत तो खराब कर ही देती होंगी, राइट। नेक्स्ट आता है स्मोकिंग। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हम दिल्ली एनसीआर जैसी सिटीज में रह रहे हैं इस वजह से पॉल्यूशन ज्यादा है और हमारी सेहत उसकी वजह से खराब हो रही है, नहीं, लोग वैसे भी स्मोकिंग करते हैं आज की डेट में, राइट। तो स्मोकिंग से भी आपकी हेल्थ खराब होती है। स्वीट्स एंड स्नैक्स, हिंदुस्तान है। अच्छा, कितने लोग होली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गुजिया खाने के लिए? कितने लोग होली का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? ओके, सारिका मित्तल जी कर रही हैं, सरजीत जी कर रही हैं। तो जो आप एक्सेसिव स्वीट्स एंड स्नैक्स खाते हैं उसकी वजह से भी आपकी सेहत खराब होती है डे बाय डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं ओबेसिटी एंड ओवरवेट। देखिए, दुनिया की आबादी करीब करीब 800 करोड़ है, दुनिया की आबादी करीब करीब 800 करोड़ है, जिसमें से 200 करोड़ लोग, मतलब 1/4 लोग ओवरवेट हैं। 800 करोड़ में से 200 करोड़ लोग ओवरवेट हैं, और 60 करोड़ ओबीज की कैटेगरी में आ गए हैं। ओबीज मतलब जो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा हो गया है, राइट। और बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि उसमें से करीब करीब 50 करोड़ हिंदुस्तानी भी हैं। हिंदुस्तानी दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं, बट इस वे में नहीं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है हिंदुस्तानी दुनिया पर राज करने के लिए बने? किसी को लगता है यहां पर हिंदुस्तानी दुनिया पर राज कर सकते हैं? नहीं लगता है? कितने लोगों को नहीं लगता है? ओके, कुछ लोगों को लगता है। तो जिनको भी नहीं लगता है तो देखिए, हिंदुस्तानी जब अपनी पे आ जाए तो मालदीव जैसे देश को भी डुबो सकते हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी जब अपनी पे आ जाए तो मालदीव जैसे देश भी जो टॉप में आते थे कभी ना कभी, वो भी डूब सकते हैं। तो हिंदुस्तानी दुनिया पर राज करने के लिए बने हैं, बट उसके लिए हमें सेहत का, अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, राइट। और नेक्स्ट आता है हेल्थ केयर कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है।
जो पहले आप अपनी सेहत पे पैसा खर्च करते थे आज की डेट में वो बढ़ गया है। हिंदुस्तानियों ने करीब करीब 7.8 लाख करोड़ रुपए, 7.8 लाख करोड़ रुपीज 2015 के अंदर अपनी सेहत के ऊपर खर्च किया है, और 2022 के अंदर वही कन्वर्ट होके 4 गुना हो गया, 28 लाख करोड़ हो गया। आसान भाषा में समझाऊं तो पहले जिस डॉक्टर के पास आप विजिट करते थे उनकी फीस होती थी 200, 300, 400 रुपए, अब सेम डॉक्टर की फीस सेम ही क्लिनिक में 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक पहुंच गई है। 3 गुना हो गई ना, हो गई कि नहीं हो गई? ओके, तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर द वेस्ट लाइन, शॉर्टर द लाइफ लाइन। जितनी बड़ी आपकी कमर की रेखा होगी उतनी ही छोटी आपकी जीवन की रेखा होगी। जितनी बड़ी आपकी कमर की रेखा होगी उतनी ही छोटी आपकी जीवन की रेखा होगी। यानी अगर आपका बेली फैट 36 इंच से ज्यादा है तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पे होते हैं। 36 इंच से ज्यादा अगर आपका बेली है तो आप हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं, और यकीन ना माने तो डेटा चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे, राइट। और ये एक हमारे पास में भाई साहब हैं जिनका वजन बढ़ गया है, और ये आप जितनी भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं ना ये इनको कभी भी हो सकती हैं, राइट। तो ये ओबीस कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, कितने लोगों को फोटो दिख रही है? बाय द वे दिख रही है क्या? ओके पायल गुप्ता जी, पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन कर लें। तो ये फोटो समझना जरूरी है कि हार्ट डिजीज होना, हाइपरटेंशन होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, टाइप 2 डायबिटीज, हाइपर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोगों को पता स्लीप एपनिया क्या होता है? बड़ा ही साधारण सा नाम रखा हुआ है, बट स्लीप एपनिया होता है जब आपका वजन बड़े होने की वजह से, आपका फैट बड़े होने की वजह से नींद के समय में आपकी सांस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए, सोते समय आपकी सांस रुक जाए कुछ सेकंड्स के लिए, मतलब आप 1 सेकंड के लिए सांस ही ना ले पाए, राइट। और अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम पता ही नहीं लग पाती समय रहते हुए, राइट। सो ये भी ओबेसिटी की वजह से होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप यहां पे किस रिजल्ट के लिए आए हैं? चाहे आप कुछ समय से हमारे पास में ऑलरेडी जुड़े हुए हों, चाहे आप अभी नए ज्वाइन हुए हों, चाहे आप दोबारा से ज्वाइन करना चाह रहे हों, क्या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, बेटर शेप में आना चाहते हैं, आप अपना डाइजेशन बेहतर करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं, एनर्जी बेहतर करना चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जिनके रिलेटिव की शादी अगले कुछ महीनों में होने वाली है और उनको डांस करने के लिए एनर्जी चाहिए? कोई है जिनके रिश्तेदार की शादी अगले कुछ महीनों में होने वाली है जिनको डांस करने के लिए एनर्जी चाहिए स्टेज पे, है क्या? तो ये भी एक टारगेटेड रिजल्ट है प्रीति गुप्ता जी, बिल्कुल ये भी एक टारगेटेड रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हेल्दी जॉइंट्स के लिए आप अपने घुटनों को बेहतर रखना चाहते हैं उसके लिए भी, राइट। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, ये भी एक अलग कैटेगरी है। अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में है, राइट, वो क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं उनकी फील्ड का, तो आप उनको भी दे सकते हैं, उनकी भी सेहत बेहतर कर सकते हैं अगर आप मुझे अगले 15 मिनट और अच्छे से सुने तो, राइट। नेक्स्ट आता है, अच्छा अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले दो चीजें कराऊंगा। तो देखिए, मैं आपका सबसे पहले तो डाउट क्लियर कर दूं कि हमारी जो कंपनी है वो करीब करीब 97 देशों में ऑलरेडी वर्किंग में है, और पिछले 44 सालों से लोगों की सेहत बेहतर कर रही है, और अभी आप जो रिजल्ट देखेंगे वो उनके इंडिविजुअल खुद के पर्सनल रिजल्ट हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप अपना राइट हैंड सामने लेके आए, राइट हैंड सामने लेके आए, अपने दिल पे रखें और बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मेरा भी हो सकता है, मेरा भी हो जाएगा, जब इनका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। बोलिए बोलिए बोलिए, ज्योति गुप्ता जी बोलिए बोलिए, किरण जी बोलिए, ऑल इज वेल, मेरा भी होगा, राइट। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो ये रिजल्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से देखेगा, और अगर आप इनसे रिलेट कर पाए तो डेफिनेटली आपकी और मदद होगी, राइट। तो सबसे पहले चलेंगे हम वेट गेन के रिजल्ट्स की तरफ। अच्छा, कुछ लोगों का मुंह उतर गया है, कुछ लोग यहाँ पे वेट लॉस के लिए आए थे, बोले ये लोग वेट गेन भी कराते थे क्या? अच्छा, ऐसा होता है। देखिए, ये अच्छा न्यूट्रिशन है, हम आपकी सेहत बेहतर करने पे काम करते हैं, और ये जो टारगेटेड रिजल्ट्स हैं हम आपको एडिशनली देते हैं, ये जो टारगेटेड रिजल्ट्स हैं हम आपको एडिशनली देते हैं, राइट। सो ये हमारे पास में अनवर हुसैन साहब हैं जिन्होंने 6.5 किलो वेट गेन किया है और मसल गेन किया है, और आज अगर आप क्लब में थे तो आपने इनका टॉपिक सुना होगा। और ये अनवर सर, अगर मैं सही हूं तो ये गोलकुंडा फोर्ट है ना, हैदराबाद वाला है ना, मैं गया था, मुझे याद आ गया, फैंटास्टिक। चलिए नेक्स्ट आता है, कल्पना मैम है हमारे पास में जिन्होंने 16 किलो वेट गेन किया है, राइट। पहले लोग बोला करते थे कि आप हवा से उड़ना चाहें, अभी वेट गेन हो गया है तो वही पूछते हैं कैसे हुआ है, ट्रस्ट मी ऐसा बोलते हैं लोग हमें। ये हमारे पास में केशव कुमार साहब है जिन्होंने 15 किलो वजन कम किया, वजन बढ़ाया है। एक बार दो तालियां बनती है, बजा सकते हैं हम तालियां, हाँ बहुत बढ़िया, देखिए स्माइल कितनी जबरदस्त है, राइट। ये हमारे पास में आर्यन सानू साहब है, 15 किलो वेट गेन किया है, एनर्जी लेवल बहुत अमेजिंग है और नॉलेज नेक्स्ट लेवल है, राइट। ये मेरा खुद का रिजल्ट है, देखिए मैं पहले ऐसा दिखा करता था, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत कुछ बोला करते थे कि बेटा ये खा लो उससे वेट गेन हो जाएगा, वो ट्राई करो उससे वेट गेन हो जाएगा,
बट कुछ नहीं होता था, पेट निकलता जा रहा था मेरा, राइट, एनर्जी लेवल दिन ब दिन गिरता चला जा रहा था। और ये डिफरेंस आप देख सकते हैं, मैंने 17 केजी वेट गेन किया है अच्छे न्यूट्रिशन को लेके, राइट। और ये हमारे पास में राहुल चौहान साहब है जिन्होंने 30 किलो वजन कम वजन बढ़ाया है, 30 किलो वजन बढ़ाया है। लगता था यहां 30 किलो वजन बढ़ सकता है, 30 किलो वजन बढ़ाया है, बहुत बढ़िया। सो देखिए ये अमेजिंग रिजल्ट्स थे वेट गेन के, अभी आपके सामने आने वाले हैं वेट लॉस के रिजल्ट्स, वेट लॉस के रिजल्ट्स। सभी लोग रेडी है ना सुनने के लिए? कितने लोग रेडी है बाय द वे? देखिए मैं आपको ये आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपके हाथ देखना चाहूंगा, कितने लोग रेडी हैं? रेणु देवी जी रेडी हैं, शाइस्ता परवीन जी कैसे हैं आप, रेडी नहीं है आप? देखिए ये सेशन सबके लिए हो रहा है, चाहे आप पहली बार आए हो चाहे आप रिपीट कर रहे हो अपना सेशन, राइट। नेक्स्ट चलते हैं वेट लॉस के रिजल्ट्स की तरफ। तो हमारे पास में 6 kg का अमेजिंग वेट लॉस का रिजल्ट है। और देखिए सर हमारे पास में जब आए थे ना तो ये ऐसे शांति से पीछे बैठा करते थे और इनको लगा नहीं था कि इनका वेट लॉस होगा। 6 किलो वजन कम करने के बाद में सेहत बेहतर हो गई है और एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल है। ये राजकुमार साहब है हमारे पास में, ये वो वाले राजकुमार साहब नहीं बॉलीवुड वाले, ये हमारे क्लब के मेंबर है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इनका। 7 किलो वेट लॉस किया है, एनर्जी लेवल बहुत जबरदस्त है और आप लोगों की मदद करते हैं मिशन शाइन का पार्ट बन के। इशरत रिजवान जी है ये, 11.6 kg वेट लॉस किया है इन्होंने, एनर्जी लेवल बहुत ही अमेजिंग है, लाइफ बहुत बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन, राइट। ये ज्योति गुप्ता जी हैं यही कॉल पे दिखेंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, 13 किलो वजन कम किया है और इनके हस्बैंड ने और अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट किया है और ये अभी और लूज करने वाली हैं, नेक्स्ट टारगेट भी इनका बहुत जबरदस्त है, राइट। हेमलता जी हैं 14 किलो वेट लॉस किया, इन्होंने फैट लॉस किया अमेजिंग, आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, हम आपको कोई भी फेक फोटोज नहीं दिखा रहे। अच्छा किसी को अभी कोई डाउट तो नहीं है कि ये कोई फेक फोटोज हैं कि हमने किसी पड़ोसी की उठा के किसी और जगह से उठा के और AI से एडिट करके लगा दिया है? ऐसा तो नहीं है ना? अगर आपको ये डाउट है तो अगले 10 मिनट मुझे ध्यान से सुनिए, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा आपका, राइट। सो ये हमारे पास में अमेजिंग रिजल्ट है। नेक्स्ट चलेंगे शिवराम साहब के पास में, 15 किलो वेट लॉस किया है। पहले इनका बाइक पे बैठना भी मुश्किल हुआ करता था बट जब से वेट लॉस किया है अब ये जिंदगी और बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं और इनके बच्चे बहुत खुश हैं इनसे क्योंकि पापा गुस्सा कम करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है रितु अग्रवाल जी, 15 किलो वेट लॉस करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है इनका, एनर्जी लेवल बहुत फैंटास्टिक है और अब मिशन शेन का पार्ट बन के लोगों की मदद करती हैं। फरजाना खान जी हैं 16 किलो वेट लॉस किया है, फैट लॉस बहुत जबरदस्त है। अच्छा कितने लोग फर्क देख पा रहे हैं कि अभी अपनी छोटी बहन लगने लगी है? 16 किलो वेट फैट लॉस करके अभी अपनी छोटी बहन लगती है, 5 साल तो उम्र कम हो ही गई। सरबजीत जी सही कह रहा हूं मैं? आप भी करिए, राइट। ओके नेक्स्ट हमारे पास में धर्मेंद्र कुमार साहब, 18 किलो वेट लॉस करके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है और अब एक्टर लगने लगे, राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आता है ये हमारे पास में अमेजिंग 20 kg का वेट लॉस का रिजल्ट है, बहुत ही अमेजिंग लाइफ है, राइट। और ये हमारे पास में आशा जी हैं, इन्होंने अपना वेट लॉस नहीं लिखा इस पे ढंग से और माफी चाहूंगा एडिट के लिए, बट इनकी एज अगर आप जान लेंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि इतनी फिट हो सकती है, राइट। बट अगर आप कल के क्लब में आए तो आप जान पाएंगे आशा जी ने कितना जबरदस्त रिजल्ट क्रिएट किया है वेट लॉस एनर्जी का, बहुत जबरदस्त, राइट। कांतारानी जी हैं, 22 किलो फैट लॉस किया है, इसी कॉल पे हैं कांतारानी जी, राइट। देखिए चेहरे पे नूर आ जाता है जब आप 22 किलो फैट लॉस करते हैं तो, राइट, और अच्छे न्यूट्रिशन के साथ में करते हैं तो। अगर आप नॉर्मल लाइफ में करने जाएंगे ना 2 किलो के बाद में आपका चेहरा उतरने लगता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परवेश गुप्ता साहब हैं हमारे पास में, 24 किलो फैट लॉस किया है इन्होंने और ये और करने वाले हैं, ये हमें डेली कमिटमेंट देते हैं और ये डेफिनेटली कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट हमारे पास में 24 किलो फैट लॉस किया मैम ने हमारा बहुत जबरदस्त तरीके से। यंजू जी हैं, 25 किलो वेट लॉस किया है इन्होंने और ये उनकी पुरानी स्लाइड है, इन्होंने और कर लिया है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इनका, राइट। ये हमारे पास में कंसल साहब, 28 किलो वेट लॉस किया इन्होंने और देखिए पहले ये सब खाया करते थे इस वजह से ऐसे हो गए थे, अब ये अच्छी चीजें खा के अच्छा न्यूट्रिशन लेके अभी ऐसे दिखते हैं, राइट। इलियाकत हुसैन साहब है, 42 किलो वेट लॉस किया। अच्छा 42 किलो, जब मैं वेट गेन करने आया था ना तो मेरा वेट जो करीब था मात्र केवल 55 किलो, तो इन्होंने 42 किलो तो लूज कर दिया है। और अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट है तो कल का क्लब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये जो भी रिजल्ट आपने देखे हैं उनके इंडिविजुअल पर्सनल रिजल्ट है, हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, सभी के सभी नेचुरली क्रिएटेड रिजल्ट हैं और ये क्लब में रेगुलर आते हैं इस वजह से इनको ऐसा रिजल्ट मिला है, वरना अगर ये नॉर्मल लाइफ में रहते तो कभी नहीं कर पाते ऐसा रिजल्ट क्रिएट, राइट। और मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, न्यूट्रिशन क्लब, आपने मेरे मुंह से पिछले कुछ मिनट्स में बहुत बार न्यूट्रिशन क्लब सुना होगा, तो इसमें हम आपको क्या देते हैं? अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जो डेली न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं बाय द वे, कितने लोग हैं जो डेली न्यूट्रिशन क्लब में आते हैं? ओके बहुत सारे लोग आते हैं और कुछ लोगों को हाथ उठाने में ऐसा चेहरे पे हुआ जा रहा है ना, बहुत बढ़िया।
अगर आप न्यूट्रिशन क्लब डेली आते हैं तो आपको वहां पे न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है, आपको अच्छा न्यूट्रिशन कैसे लेना, उसको और कैसे बेहतर बनाना है वो डेली बताया जाता है आपको, राइट। और ये समझना बहुत जरूरी है, राइट। नेक्स्ट आता है सपोर्टिव कम्युनिटी। अच्छा, कितनी यहाँ पे फीमेल्स हैं जो अगर घर में अच्छा खाना बन जाए तो उनको तारीफ मिलती है, बट अगर खराब बन जाए, किस दिन गलती से चावल जल जाए, तो बुराई ज्यादा मिलती है कि अगर बच्चे ने टॉप कर दिया स्कूल के अंदर, ये तो मेरा लड़का है, अगर वो गलती से उसके नंबर कम आ गया कि तुम क्या करती हो पूरे दिन बढ़ा नहीं पाती उसको, ऐसा बोलते हैं क्या? तो देखिए, अगर आप हमारे क्लब में आके यहाँ पे सपोर्टिव कम्युनिटी आपको इतनी जबरदस्त मिलती है कि अगर आप 500 ग्राम वेट लॉस भी करते हैं तो लोग आपको इतना पुश करते हैं कि आप खुशी खुशी में 2 किलो और कम कर लेते हैं। ट्रस्ट मी, इसे कहते हैं सपोर्टिव कम्युनिटी की मदद से राइट रिजल्ट क्रिएट करना। नेक्स्ट आता है वेट लॉस मैराथन। ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको एक ग्रुप के अंदर डाला जाता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट क्रिएट होता है वेट लॉस मैराथन में लोगों का। एजुकेशन एंड नॉलेज, देखिए इंटरनेट के ऊपर नॉलेज बहुत सारी पड़ी हुई, इंफॉर्मेशन बहुत सारी पड़ी हुई है, 600 तरीके हैं वेट लॉस करने के लिए, बट आपके लिए वो एक कौन सा तरीका काम करेगा वो आपको नहीं पता, वो एक पर्टिकुलर एक अच्छे कोच को ही पता होता है, हमेशा याद रखिएगा, राइट। सो वो आपको न्यूट्रिशन क्लब में आके पता लगता है। रिकॉग्निशन गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। अच्छा, कितने लोग हैं जो स्टार ऑफ द वीक में गिफ्ट पा चुके हैं अभी तक, जिन्होंने वेट अच्छे से लूज किया और उनको गिफ्ट मिला है? तो देखिए, अगर आप अच्छे से वेट लॉस करते हैं और कुछ लेवल्स अचीव करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है हमारे क्लब में, और यकीन मानिए वो मजा अलग होता है, वो एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होती है, राइट। अच्छा, मैं थोड़ा सा दुखती रख पे हाथ रखना चाहूंगा, कितने लोग हैं जो अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान है यहाँ पे, अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान है कि वो जो इंसान मेरे साथ ऑफिस में पॉलिटिक्स करता है मैं नहीं चाहता हूं कि उसके साथ दोबारा से काम करना पड़े मुझे। तो ट्रस्ट मी, जब आप हमारे क्लब में आते हैं ना तो वो सब जो टेंशन है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है आपकी, क्योंकि ये एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करते हैं। मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट, डेली मोटिवेट किया जाता है आपको कि अपनी सेहत को बेहतर रखें, कुछ नया करें, लोगों की मदद करें और खुश रहें, राइट। और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो मैं पहले हंसा नहीं करता था, इस अच्छे न्यूट्रिशन की ताकत की वजह से, अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बनने की वजह से मेरे चेहरे पर स्माइल आने लगी, राइट। बहुत ही अच्छी चीज हुई मेरे साथ लाइफ में, मैं कितने ही पैसे खर्च कर लेता था ना, नहीं आती थी स्माइल, राइट। ये आता है व्हाई मोस्ट वेट मैनेजमेंट प्लान्स फेल। क्यों मोस्टली वेट मैनेजमेंट प्लान फेल हो जाते हैं? कितने लोग हैं जिन्होंने पहले यहां पे आने से पहले वेट लॉस करने का ट्राई किया था और कुछ नहीं हो पाया, मतलब जीरा पानी, और अभी एक इंटरनेट ट्रेंड नया आया है वो सौंफ वाला पानी का भी आ गया, राइट, वो भी ट्राई किया आपने, और अजवाइन वाला पानी ट्राई किया है, सुबह 5 किलोमीटर वॉक करना ट्राई किया है, सब कुछ ट्राई किया। कितने लोगों ने किया और कभी कुछ रिजल्ट नहीं आया, या 500 ग्राम 1 किलो